హరే కృష్ణ. ప్రభు రామచంద్ర కి అనంత భక్త హం సబ్ జాంతే. కుచ్ భక్త ఐసే హే జో ప్రభు కో నిరంతర యాద్ కర్తే రహతే హే. లేకిన్ హమ్నే కభీ సోచా నహీ హోగా కి కుచ్ భక్త ఐసే హే జిన్కా నిరంతర స్మరణ ప్రభు కర్తే రహతే హే. క్యోంకి ఏక్ బార్ ప్రభు కో కిసీ భక్త నే ఉన్కీ జో కితాబ్ తీ వో పూచా కి ప్రభు ఆప్కే భక్తోం కే కితాబ్ ఆప్కే పాస్ హోగీ తో దిఖాయియే. తో ఉస్ కితాబ్ మే హనుమాన్ జీ కా కహీ భీ నామ్ నహీ థా. तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हनुमान जी तो सबके बड़े भगवान के भक्त हैं. तो बहुत चर्चा हुई इस बात पर, अरे भगवान के भक्तों की किताब में हनुमान जी का कहीं भी नाम नहीं है. फिर उन्होंने बहुत संशोधन किया, विचार किया, तो उनको पता चला कि भगवान के पास एक और किताब है जिसमें उन भक्तों के नाम हैं जिनको भगवान प्रभु रामचंद्र याद करते हैं. और जो पहली किताब थी वो उन भक्तों की थी जो भगवान को याद करते हैं. तो ऐसे कौन से भक्त हैं जो भगवान रोज उनको याद करते हैं? तो ऑफ कोर्स सबसे पहले जो है वो हनुमान जी हैं, सबसे श्रेष्ठ स्थान पर हैं. उसके बाद में भरत हैं, कमला देवी हैं, लक्ष्मी देवी हैं, गरुड़ जी, सुनंद आदि 16 पार्षद हैं, जाम्बुवंत, जटायु, सुग्रीव, विभीषण, शबरी देवी, ध्रुव जी, उद्धव जी, अम्बरीश महाराज, विदुर जी, अक्रूर, सुदामा, चंद्रहास, चित्रकेतु, पंच पांडव और जो गजराज था जिसको ग्रह ने ग्रास दिया था, गजेंद्र, फिर द्रौपदी और कुंती आदि व्यक्तियों को हरिवल्लभ कहा गया है. यानी हरि को वो बहुत वल्लभ यानी बहुत प्रिय है. तो हनुमान जी को भगवान कैसे याद करते हैं इसके विषय में एक सुंदर कथा रामायण में आती है. तो कथा ऐसी है कि अभी कुंभकर्ण का वध हो गया है, युद्ध शुरू हो गया है और कुंभकर्ण का भी वध हो गया है. तो रावण तिलमिला उठते हैं और रावण सोचते हैं अभी कुछ किया जाए. तो अपने वो पुत्र की याद करते हैं जो पाताल का राजा है जिसका नाम है अहिरावण. अहिरावण को याद करते हैं. तो अहिरावण रावण के पास आता है. तो रावण को अपने पुत्र अहिरावण पे बहुत ज़्यादा विश्वास था कि ये बहुत ही माया शक्ति से संपृक्त है, बहुत सिद्ध तपस्वी है, बहुत सारे वरदान प्राप्त किए हैं. तो कहते जाओ राम के तंबू से राम और लक्ष्मण को उठाकर उसका वध कर दो. तो अहिरावण कहता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी जाता हूं. तो अहिरावण ये एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसको विभीषण का रूप लेने की कला अवगत थी. बहुत सारे राक्षस माया भी होते हैं, उनके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन विभीषण का विशिष्ट रूप से रूप धारण करने की शक्ति केवल अहिरावण में थी. और ये बात रावण को भी पता था और ये बात अहिरावण को भी पता ही है और ये बात विभीषण को भी पता थी. तो फिर अभी देखिए हनुमान जी कैसे सेवा करते हैं. प्रभु रामचंद्र का तो बंदरों का सेना है पूरी. कोई ऐसा महल या कोई ऐसा किला या कोई ऐसा बुरुज या बुलंदी ऐसा कुछ था नहीं उनके पास. वैसे ही पैदल चल के आए थे, कोई रथ वथ किसके पास था नहीं. समुद्र किनारे ऐसे रुके हुए थे, पहले उस किनारे में थे, अभी पार करके उस किनारे में आ गए. तो है तो रेती में ही और उनका तंबू लगा हुआ है. तो उसको कोई पहरेदारी या कोई तंबू या कोई क्या कहते हैं उसको तार कुंपण ऐसा कुछ नहीं था. हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना विस्तार किया था कि राम की पूरी करोड़ों लोगों की सेना को पूरा उन्होंने अपने पूंछ से ही व्याप्त किया था और पूंछ से ही पूरा सुरक्षा कवच बनाया था. और इतना लंबा सुरक्षा कवच था, वो कई थर थे उसके पूंछ के और बहुत मजबूत अभेद्य ऐसा उन्होंने तटबंदी बनाई थी. और उसके बीच में सब सेना जो वानर सेना जो थी आराम से निवास कर रही थी रात के समय पर. और युद्ध का भी नियम था कि सूर्योदय पर युद्ध शुरू होता था और सूर्यास्त पर समाप्त होता था. और नियम भी था कि सूर्यास्त के बाद कोई तंबू के बाहर जाता नहीं,
ये भी नियम था। अहिरावण बीच रात में, समझो हमारे 1:30-2 बजे ऐसे बीच रात में, मध्य रात्रि के पश्चात विभीषण का रूप धारण करके तंबू में प्रवेश करने के लिए आ रहे हैं, और हनुमान जी सोने रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं तंबू में, राम लक्ष्मण विभीषण सभी जितने भी सैनिक हैं, प्रमुख प्रमुख योद्धा है, सरदार है, नेता है, सब लोग विश्राम कर रहे हैं। और विभीषण जी की आदत थी कि वो ऐसे भक्त थे भगवान के कि नींद में भी जागकर भगवान के नामस्मरण करते थे, तो प्रायः दिख रहे हैं कि सो रहे हैं लेकिन वो हमेशा सतर्क रहा करते थे और अपनी सतर्कता में सदैव प्रभु का नाम जप करते थे। तो ऐसे समय पर बीच रात में हनुमान जी जग रहे हैं, विभीषण भी जग रहे हैं लेकिन अपने तंबू में हैं। हनुमान जी तो पूंछ को विस्तार करके तंबू के अग्रभाग में बैठे हुए हैं पहरेदार के रूप में, उनके लिए नींद नहीं है, तो देख रहे हैं कि विभीषण जी आ रहे हैं। तो हनुमान जी पूछते हैं, अरे विभीषण जी महाराज इतनी रात गए क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा युद्ध समाप्त हुआ सूर्यास्त के समय तो प्रभु के नाम का भजन करने का दिल हुआ, ये अहिरावण विभीषण के रूप में बोल रहे हैं, और जब मैं समुद्र किनारे गया तो वही मेरा मन लग गया, मग्न हो गया मैं, और कब रात के मध्य रात्रि का प्रहर शुरू हुआ ये मुझे समझ में नहीं आया, जब मेरा ध्यान टूटा देखा तो मध्य रात्रि का प्रहर चल रहा है, सोचा चलो जाकर विश्राम कर लेते हैं। तो क्या हनुमान जी मुझे आज्ञा है आपके तंबू में प्रवेश करने के लिए? अरे महाराज जी आपका ही तंबू है आप चलिए। इस तरह से संभाषण करके अहिरावण तंबू में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के पश्चात विभीषण जी राम और लक्ष्मण के चरणों में विश्राम कर रहे हैं। ऐसा माया जाल सब जगह डाल देता है कि सब लोग सो जाते हैं, विभीषण भी निद्रिस्त हो जाते हैं, प्रभु राम लक्ष्मण निद्रिस्त हो जाते हैं। उस अवस्था में वो वहीं से राम लक्ष्मण को उठाते हैं और आकाश मार्ग से पाताल में चले जाते हैं, आकाश मार्ग से जमीन में उतरते हैं और जमीन से पाताल चले जाते हैं। सब सो रहे हैं, हनुमान जी को पता नहीं चलता है। अगले दिन जब सब भोर की बेला होती है, ब्रह्मा मुहूर्त खुल जाता है, तो क्या देखते हैं? प्रभु ही गायब, राम लक्ष्मण ही तंबू में नहीं है। सब जगह खोज होती है, हाहाकार मचता है, रोना धोना शुरू हो जाता है, प्रभु राम कहाँ गए, प्रभु राम कहाँ गए। तो विभीषण भाग कर हनुमान जी के पास में आता है और कहते हैं, हनुमान जी कोई रात में आया था? तो हनुमान जी कहते हैं, आप ही तो आए थे। तो विभीषण जी कहते हैं, मैं तो प्रभु के चरणों में था। तब उसको समझ में आता है कि अगर मैं प्रभु के चरणों में सो रहा हूं और हनुमान जी कह रहे कि मैं ही आया था, इसका मतलब अहिरावण आया था। और विभीषण चिंता करते हैं, विचार करते हैं कि अरे नींद में भी जाग कर भजन करने वाला मैं आज कैसे सो गया? ये जरूर राक्षस की ही माया है और ये अहिरावण की माया है जिसके वजह से मैं भी सो गया। और सब जगह सब रो रहे हैं कि नेता ही गायब है, नेता का अपहरण हो गया है। तो हनुमान जी कहते हैं, बस बस सब रोना गाना बंद करो, आपने पता बता दिया है, हमारा काम है उनको वापस लेके आने। तुरंत हनुमान छलांग लगाते और पाताल लोक में पहुंचते हैं। जब पाताल लोक में पहुंचते हैं तो वहां पर पाताल नगरी जो अहिरावण की नगरी है उसमें हनुमान जी का एक पुत्र है जो हनुमान जी के स्वेद से उसका जन्म हुआ, उसका नाम है मकरध्वज। बड़ी लंबी कहानी कभी बताएंगे। तो हनुमान जी का एक पुत्र मकरध्वज अभी विपक्ष में है और वो रोक लेता है हनुमान जी को। तो हनुमान पहचानते अपने बालक को लेकिन सोचते हैं कि इससे मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे प्रभु राम को रिहा करना है। तो अपना सर्वोत्तम लघु रूप धारण करते हैं, अणु रूप धारण करते हैं। अच्छा, हनुमान जी जब पहुंच गए हैं तो उसके पहले क्या हुआ है? अहिरावण बड़े ही गर्व से उद्दंडता से प्रभु राम लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं, प्रभु रामचंद्र भी विरोध नहीं कर रहे हैं, वो तो प्रभु है, वो तो अहिरावण को एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वो लीला कर रहे हैं, बंदी बनकर जा रहे हैं। अहिरावण कहता है, आपने हमारे राज्य का बहुत नुकसान किया है, आपने हमारे बड़े भाई का वध किया है, मेरे चाचा का वध किया है, मेरे भाइयों का वध किया है, रावण की लंका का बहुत नुकसान किया आपने, सेना का नुकसान किया है, अब आपकी मृत्यु निश्चित है, अब आप मेरे कब्जे में हैं, मैं मेरी देवी को जो पातालपुरी देवी है
उसको आपको बलि चढ़ाऊंगा, लो ये फल बोल को खा लो। पुरोहित को बुलाते हैं, उनकी परीक्षा करते हैं, बोले बलि के लिए योग्य है कि नहीं है। प्रभु दोनों शांत बैठे हैं, जैसे कि बंदी बनाकर बैठे हुए हैं। देवी का स्वरूप वहां पर है, पातालपुरी देवी का, उसकी पूजा होती है, आरती होती है, और एक देव पुष्प है, देवी पुष्प, जो उनको अभी देवी को बलि चढ़ाने के पहले चढ़ाया जाने वाला है सर पे। उसी फल में हनुमान, उसी फूल में हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके बैठे हुए हैं, और वही फूल अई रावण बड़े भाव से देवी के शीश पर चढ़ाता है, और अभी बलि होने ही वाली है। उतने में हनुमान जी जो अणु रूप में है, अपने अणु रूप को बहुत ही भयंकर भारी वजनदार बना देते हैं, इतना वजनदार बना देते हैं कि उस फूल के अंदर बैठे हुए हनुमान जी के वजन से वो देवी जो है वह धस जाती है, और फिर हनुमान जी अपना रूप प्रकट कर देते हैं, और अपने हाथ में तलवार लेकर जबान बाहर निकाल कर देवी जैसा दर्शन देते हैं। तो हनुमान जी को एक जगह पर गाँव में देवी का लंगूर भी कहते हैं, क्योंकि तो इतने बड़े विशाल स्वरूप में हनुमान जी प्रकट होते हैं, जवान ऐसे लाल लाल हिलाते हैं, हाथ में तलवार धारण, जैसे काली कैसे होती है वैसे दर्शन देते हैं, और जोर से हाहाकार करती है। तो अई रावण सोचता है कि अरे देवी कितनी खुश है, इतना सुंदर बलि प्राप्त होने वाला है, बोले देवी को पंच पकवान हलवा पुड़ी का भोग लगाओ। तो हनुमान जी बड़े चाव से सब पंच पकवान ना हलवा पुड़ी का भोग ग्रहण करते हैं, इसके बाद में तलवार लेते हैं और अई रावण का और सबका वध कर देते हैं। इसलिए आप कभी गांव में जाएंगे ना, तो आपको देहातों में कभी कभी ऐसे हनुमान का मंदिर मिलेगा जिसमें हनुमान के पैर के नीचे एक देवी है, वो ये देवी है पातालपुरी देवी, जिसके पातालपुर में जाकर हनुमान जी वध कर देते हैं अई रावण का, सारी सेना का वध कर देते हैं, और कंधे पर बिठाकर फिर हनुमान को, हनुमान जी दोनों को लेकर आते हैं। इसमें रहस्य की बात यह है कि जब बलि देने का समय आता है तो अई रावण राम लक्ष्मण को कहता है कि अभी अपने इष्ट देव का स्मरण करो, इसको भी आप पूजते हो उसका स्मरण करो। उस समय देवी पुष्प देवी के सर पर है, उसके अंदर अनुरूप में हनुमान जी विराजमान है, और हनुमान जी का स्मरण राम और लक्ष्मण करते हैं। जैसे ही प्रभु राम और लक्ष्मण हनुमान का स्मरण करते हैं, तब अपना विशाल रूप धारण करके हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रभु ने अपने जीवन में कैसे उनको हनुमान अति प्रिय है और कैसे वो उनका स्मरण करते हैं, इसका एक प्रमाण दिया। और हनुमान जी का यानी उनके इष्ट का, इष्ट कौन होता है जो उनको प्रिय होता है? हमारा इष्ट तो हमारा भगवान है जो हमें प्रिय है, लेकिन प्रभु का इष्ट कौन है? प्रभु का इष्ट उनका भक्त है, या प्रभु का इष्ट उनके अनेक भक्त हैं जिनका वो निरंतर चिंतन करते रहते हैं। तो ऐसे हनुमान जी का चिंतन करके प्रभु जी ने लीला दिखाया कि कैसे मेरे भक्त के द्वारा मैं सुरक्षित हूँ, और भक्त के द्वारा ये रावण का वध करके प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी भगवान हनुमान जी के कंधे पर बैठकर फिर तंबू पर लौट के आते हैं, सब जय जयकार करते हैं, हनुमान जी का जय जयकार करते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं। इस प्रकार से कैसे प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हैं ये कथा हमने सुनी। बोलो राम भक्त हनुमान की जय हो।